दुनिया के पर्यटन मैप पर छाई काशी में घूमना फिरना और भी आसान हो गया है। इसके लिए लंदन पास की तर्ज पर काशी पास की व्यवस्था की गई है। इस पास पर बनारस आने वाले पर्यटक बाबा विश्वनाथ के दरबार से लेकर महात्मा बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ तक का दर्शन कर पाएंगे। इतना ही नहीं, क्रूज से घाटों के दीदार के अलावा इलेक्ट्रिक बसों में अपनी सीट भी पर्यटक बुक करा सकेंगे। इसके लिए वाराणसी स्मार्ट सिटी ने काशी दर्शन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए पर्यटक अपना QR कोड जनरेट करेंगे, उसके बाद अपने जरूरतों के हिसाब से क्रूज, बाबा विश्वनाथ धाम में ऑनलाइन टिकट, सारनाथ के लाइट एंड साउंड शो, इलेक्ट्रिक बसों के टिकट के साथ शहर में बने चार प्रमुख स्थानों में पार्किंग की बुकिंग के लिए अपनी जगह बुक कर सकेंगे। वाराणसी स्मार्ट सिटी अंतर्गत एक यूनिफाइड टूरिस्ट पास सिस्टम प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया गया है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्री काशीनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद जिस तरीके से भारी संख्या में टूरिस्ट, पर्यटक और श्रद्धालु काशी को समृद्ध करने आ रहे हैं, और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और न सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन, साथ ही बनारस में और भी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के मेजर स्पॉट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ का महत्व समझने के लिए बहुत सारे लोग दिन प्रतिदिन आते हैं, देश विदेश से आते हैं, और उस उनको सुविधा के लिए उनको एक एकीकृत बुकिंग प्रणाली देने के लिए वाराणसी स्मार्ट सिटी द्वारा एक यूनिफाइड टूरिस्ट पास सिस्टम का क्रियान्वयन किया गया है। ये एक ऐसा यूनिफाइड टूरिस्ट पास सिस्टम होगा जिसमें इनिशियली हमने 7-8 सेवाओं को ऑन बोर्ड कर रखा है, जिसमें रिवर क्रूज़ है, काशी विश्वनाथ मंदिर के सुगम दर्शन है, सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो है, मान महल ऑब्जर्वेटरी है, इलेक्ट्रिक बसेस की सुविधा है, शहर के जो चुनिंदा पार्किंग स्पॉट्स हैं वो हैं, एयरपोर्ट और रेलवे का लाउंज है। ये सारी सुविधाओं की वन स्टेप बुकिंग, वन प्लेटफॉर्म बुकिंग